हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे का हलवा। और ये गुड़ से बनाएंगे, हम गुड़ वाला हलवा बनाएंगे। ये हमने गुड़ लिया है और ये काजू बादाम और ये मीठी सौंफ दाख ली है और ये थोड़ा सा नारियल लिया है जिसको हमने कद्दूकस कर लिया है। सबसे पहले हम गुड़ को पानी में डालेंगे उबालने के लिए। गैस पर हमने पानी रख दिया, अब हम इसमें गुड़ डालेंगे। ये देखिए, ये हमारा गुड़ उबल चुका है बिल्कुल, थोड़ा बहुत रहा है, इसको भी हम इसमें गर्म पानी में निकाल लेंगे। गुड़ की चाशनी बना के ही डालेंगे, चीनी की नहीं डालेंगे, गुड़ से बनाना है ये हमने हलवा। ये देखिए, ये हो चुका है। अब हम इसको अलग से रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए और छान के डालेंगे इसको। कढ़ाई में हमने घी डाल दिया, हम देसी घी में ही बनाएंगे ये हलवा। आप चाहे रिफाइंड में भी बना सकते हैं, इसको देसी घी में बना रही हूँ। देखिए, ये हम आटा डालेंगे, इसको हमने घी में ही भूनना है। ये 2 कप के आसपास हमने गेहूं का आटा डाला है, अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। छः 7 मिनट तक हम इसको धीमी आंच पे अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए, जब इसका रंग थोड़ा सा आपको ब्लैक ब्लैक दिखाई देगा ना, जैसे काला रंग होने लगता है आटे का, तभी समझना कि ये हमारा आटा तैयार हो चुका है। ये देखिए, हल्का हल्का ब्राउन हो चुका है आटा। हमने इसको थोड़ा ऐसे दबा दबा के करना है क्योंकि इसमें घी ज़्यादा है ना, तो गुटलियाँ पड़ रही है, गुटलियाँ नहीं पड़नी चाहिए आटे में। देखिए, ये हमने गेहूं के आटे को अच्छे से भून लिया हुआ, अब हम इसमें गुड़ का पानी डालेंगे। गैस को हमने धीमा ही रखना है, छन्नी की सहायता से डालेंगे उस गुड़ के पानी को। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। जो बाकी पानी बचा है वो भी इसमें हम डाल देंगे। ये देखिए, आटे की गुटलियाँ पड़ने लगी, ये पड़ने नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ये हमारा बाकी जो पानी है ना, वो भी हमने इसको डाल दिया। अब हम धीरे धीरे इसको मिला लेंगे। ये देखिए, ये हमारा गुड़ का हलवा एकदम तैयार है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऊपर से देसी घी डालेंगे। ये हमने घी डाल दिया, अब हम इसको भी इसमें मिला देंगे।
ये हमारा हलवा हो चुका है। अब हम ऊपर से इसमें नारियल डालेंगे, गैस को बंद कर देंगे, जो कद्दूकस किया हुआ नारियल है वो डालेंगे। और थोड़ी सी जो हमारी मीठी सौंफ है वो भी इसमें डालेंगे, और ये जो दाखे हैं ये भी डालेंगे। काजू और बादाम को हम हल्का सा घी में फ्राई करेंगे। घी को थोड़ा सा हम गरम कर रहे हैं क्योंकि इसमें हमने काजू बादाम डालने हैं। ये हमारा घी गरम हो चुका है, अब हम इसमें ये काजू बादाम है ये डाल देंगे। हल्का हल्का ये गरम हो चुके हैं, अब हम ये कढ़ाई में डाल देंगे इसको। अब हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। अगर आपको ये हमारा हलवा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना और कमेंट्स करना। ये हमारा आटे का हलवा है, ये देखिए। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना।